नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग ना आज हम लेंगे एक्सेल के कमाल ट्रिक्स का पहला वीडियो जिसमें आपको आज मैं हिर अंगेज तरीके से बताऊंगा कि एक्सेल के आप क्या क्या यूज कर सकते हो कभी आपको ऑफिस में एक साथ हजारों फोल्डर क्रिएट करने का काम मिला है अगर नहीं तो ये वीडियो आपको शायद बाद में काम आएगा और अगर मिला है तो आप देखेंगे कि वो हजारों फोल्डर आप किस तरीके से एक बार में क्रिएट कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि जब आपको बहुत सारे फोल्डर क्रिएट करने हो

सबसे पहले आपको करना यह है कि यहाँ पे एक्सेल जब आप ओपन करोगे तो आपको एक डेवलपर टेब मिलेगा आपको उस डेवलपर टेब में जाना है अफकोर्स ये चूंकि मेरा पहला वीडियो है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार डेवलपर टेब ओपन यहाँ पे नहीं होता है यानी कि डेवलपर टेबल यहाँ पे जो है मिसिंग रहता है तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको डेवलपर टेब ना मिले तो आपको सिंपली करना यह है कि आप फाइल बटन में जाएंगे एंड ऑप्शंस में जाएंगे और उसके बाद आपको जाना है कस्टमाइज रिबन में और आपको यहाँ पे देखने देखने में मिलेगा डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे अगर आपका टिक नहीं है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है और ओके okay प्रेस कर देना है जिससे कि डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे अनेबल हो जाएगा डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपका सेकेंड काम होगा विजुअल बेसिक्स में जाना यहाँ पे आप जाने के बाद जाएंगे इंसर्ट में और यूजर फॉर्म में यानी कि आपको कहा जाना है डेवलपर टाइप में गए उसके बाद विजुअल बेसिस में गए और उसके बाद आपको इंसर्ट में जाकर के मॉड्यूल पे क्लिक करके इंसर्ट कर देना है अब आपके पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ टाइप करना है ठीक है अब आप ऑफकोर्स यहाँ पे चाहो तो वो कोड टाइप कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन सिंपली मैं और ज्यादा लेजी हूं तो मैं सीधा जाऊंगा अपने फोल्डर में और वहां पर जाकर के मैं इसको ओपन करूंगा फोल्डर को और ये मेरा पूरा कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यहां से आपको सिंपली अब करना ये है कि इसे कॉपी कर लेना मैंने इसको सिलेक्ट किया कॉपी किया और अब मैं जाऊंगा की अपनी एक्सेल फाइल पे और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा ठीक है अब मुझे सिंपली और कुछ नहीं करना है आपके पास या तो शॉर्टकट की है एफ फाइव या फिर यहाँ पे एक बटन दिख रहा है रन का ठीक है तो मैं सिंपली एफ फाइव प्रेस करूंगा और ये हो जाएगा लेकिन उससे पहले हमें फोल्डर की लिस्ट बनानी पड़ेगी तो आपको फोल्डर की लिस्ट जो है वो एक कॉलम में बनानी है ठीक है मैं यहाँ पे सिंपली सो फोल्डर क्रिएट करूंगा ठीक है वन टू और अब वन टू के नाम के आगे मैं अपन इसको और इजीली अब मैंने यहाँ पे पे आप मानिए मैंने यहाँ पे 405 हंड्रेड फाइव फोल्डर्स क्रिएट कर लिए हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे मुझे ये सब करने, ये सब क्रिएट मुझे लिस्ट मिल गई अब मुझे वापस से यहाँ पे जाना है और मुझे प्रेस करना है F5 और ये फोल्डर्स क्रिएट हो गए जस्ट वन क्लिक में फोल्डर क्रिएट हो गए यहाँ पे आप जाएंगे ये देखेंगे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन और एंड में जाकर के आप देख सकते हैं फोर जीरो फाइव ये वही फोल्डर है जो मैंने आपको अभी कोड कॉपी करने के लिए बताया था ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 405 फोल्डर्स विद इन वन क्लिक कर लिए आप पे और मे बी सौ पांच फोल्डर्स विद इन वन क्लिक क्रिएट कर सकते हो है ना ये कमाल की ट्रिक तो शुरू हो जाइए ऑफिस में अपना काम आसान करने के लिए आगे भी ऐसी ट्रिक मिलती रहेगी आपको बस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप उन्हें भी ये ट्रिक्स बताना चाहते हैं लेकिन ध्यान रहे दोस्त तक आपकी ये बात नहीं पहुंच पाए वरना आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि अब आप जल्दी काम करके छुट्टी ले सकते हैं तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गुड बाय